चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो अभी के फॉर्मेट में जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ किस तरह के रिलेशंस है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। फर्स्ट आ जाता है इंडिया और मिडल ईस्ट। अभी के टाइम में देखा जाए ना तो इंडिया ने अपने रिलेशन जो है जिस कंट्रीज के साथ या जिस एरिया के साथ ज्यादा अच्छे किए वो है आपका मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में आपके जो है लगभग आ जाता है सऊदी अरेबिया, जहां पे दुबई वगैरह जो है ना, उसके बाद आता था ईरान। ईरान के साथ हमने जो है काफी अच्छे रिलेशन करने की कोशिश की है, ठीक है। ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और भी जो मिडिल ईस्ट के जो हो गया अजरबैजान वगैरह जो छोटे मोटे जो भी हैं, इन कंट्रीज के साथ हमने अपने रिलेशन बहुत अच्छे करने की कोशिश की है। क्यों की है? उसका रीजन ये है कि यहां मिलता है आपका क्रूड ऑयल, पैसा यही है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल सस्ता लेके आओ और वो फिर इंडिया में बेचो और फिर उससे जो है पैसा कमाओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्स जो है वो भी अच्छे हैं। साथ ही साथ इनका जो आर्मी है, ठीक है, इनका जो बेस है, बेस मतलब कि इनके पास जो पैसा है, इनका जो व्यू है, इनका जो पूरा एक साम्राज्य टाइप का मान सकते हो, तो अभी ये सबसे ज्यादा पावरफुल ये वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इश्यू चल रहा है, तो इसलिए हमने जो है अपने रिलेशन सबसे ज्यादा यहाँ अच्छे करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका जो है वो कभी भी जो है चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? उसको पैसों से मतलब है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। चाइना पे कोई भरोसा कर नहीं सकते, रशिया इतना पावरफुल अब रहा नहीं है, ठीक है, पावरफुल है, पैसा वगैरह है, वेपन्स वगैरह है, पर उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब भरोसा किस पे कर सकते हैं? अगर फॉरेन पॉलिसी में आपको आगे बढ़ना है तो एक ऐसा पार्टनर आपके पास होना चाहिए जो आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रहे और खुद भी थोड़ा बेस इसका मजबूत हो, ठीक है, जिससे दूसरी कंट्रीज भी थोड़ी डरती हो, ठीक है। चाहे फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो या गैस हो, ठीक है। ईरान से तो आपको बताओ तो इंडिया तक जो है फाजिलका है, पंजाब फाजिलका में पड़ता है, वहां से पूरी एक गैस पाइपलाइन आती है। पाइपलाइन गैस पानी की जरूरत, इस तरह की बड़ी गैस पाइपलाइन आती है ईरान से इंडिया में, इतने किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर लंबी है वो, ठीक है। तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको देखते हुए हमने जो है अभी अपना पूरा फोकस कहां डाल रखा है? सऊदी अरेबिया की जो कंट्रीज है या ईरान जो है या मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं। मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं भाई? के जो आपका वर्ल्ड है ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हर चीज जो होती है वो किसके हिसाब से डिसाइड होती है कि अमेरिका जो है ना इसके लेफ्ट राइट में कौन पड़ रहा है, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे है? लगभग आप देखो तो लगभग इस साइड में इंडिया आपका पड़ता है ग्लोब में, और ये जो है इस तरह का कुछ एरिया, यहां पर आपके जो कंट्रीज पड़ती है वो है सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट वगैरह, ये जो है। तो अमेरिका के ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, लग मिडल में एरिया है, मिडल ईस्ट में, तो इसलिए इनको कहा जाता है मिडल ईस्ट। इंडिया से देखोगे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज पड़ेगी, ठीक है, या मिडिल वेस्ट मान सकते हो इसको, वेस्ट साइड में मिडिल के अंदर आसपास है, पर अमेरिका की तरफ से देखो मिडिल ईस्ट, तो इसलिए अमेरिका ने ये नाम दिया हुआ है मिडिल ईस्ट, तो हम भी उसको ये कह रहे हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की वो इतना कुछ लोड नहीं। इंडिया हैज अ ग्रेट अटैचमेंट विथ वेस्ट एशिया, ठीक है। लो देखो इसने यहां पे क्या लिख दिया, वेस्ट एशिया, ये पूरा एशिया है, एशिया के इधर साइड में वेस्ट, तो इसको वेस्ट एशिया बोल दिया है, तो किसी को कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। हिस्टोरिकली द टेररिज्म इफेक्ट, हिस्टोरिकली क्यों? क्योंकि ये जो मुगल वुगल जो है सब इधर से आए थे, द टेररिज्म इफेक्ट हैज कम इनटू इंडिया फ्रॉम देयर, टेररिज्म भी वहीं से आया। इंडिया कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, रिलीजियस डॉगमेटिज्म, डॉगमेटिज्म मतलब अंध अनुकरण या ऑर्थोडॉक्सिकल थॉट जो होता है, मतलब आप बिना किसी को सुने या अपने व्यूज पे जो चलते हो वो कहलाता है डॉगमेटिज्म या जो प्रीचिंग्स है वो। हैव ऑल्सो स्प्रेड इन इंडिया फ्रॉम मिडिल ईस्ट ओनली, दीज इन्फ्लुएंसेस केम इनटू इंडिया थ्रू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एट दिस टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कन्विक्शन ऑफ मिडेवल एज आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, और आज भी जो है पुराने टाइम जो है वो मुस्लिम्स के अंदर वो पुराना टाइम ही चल रहा है, वो अभी भी जो है शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई चल रही है वहां पे, ठीक है। इस्लाम जो है ना, मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद ने जो बनाया था इस्लाम, उसके अंदर भी दो सेक्ट पड़ते हैं, एक पड़ता है आपका शिया, एक पड़ता है सुन्नी, ठीक है। तो अभी भी जो वो मिडिवल एज की बात है, लगभग 1500-1400 के उस टाइम की बात है, अभी भी वो ही लड़ाई चल रही है कि शिया वाले अच्छे हैं कि सुन्नी वाले अच्छे हैं। अब ये दिक्कत क्या है कि जो सुन्नी वाले हैं ना वो इस्लाम मोहम्मद साहब के जो लड़के हैं अबू बकर जो है उसको ज्यादा मानते हैं भाई, जो है उसको फॉलो करते हैं। शिया वाले जो है वो मोहम्मद साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के जो भतीजे हैं, ठीक है, जिनका नाम था अली, ठीक है, ये अली हम क्यों नहीं, अली वाला जो अली वाला कॉन्सेप्ट है ये कौन मानता है? भतीजे को जो मानते हैं ना,
सेक्ट को हजरत मोहम्मद साहब के भतीजे वाले सेक्ट को जो मानते हैं वो होते हैं सिया, और जो अबू बकर इनका लड़का है उनको मानते हैं वो है सुन्नी। तो ये अभी भी लड़ाई चल रही है, ये अच्छा है। और हजरत साहब खुद जो है अली को ज्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा था, तो बस ये लड़ाई चल रही है और वो तब से चली आ रही है। अभी इसलिए क्या हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज या जो वेस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज है उनमें भी यही है कि प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कंट्रीज तो है सिया वाली और कुछ है सुन्नी वाली, ठीक है। अब दोनों आपस में लड़ रही कि हम अच्छे इनके बीच में यही रहता है। अब दिक्कत ये आ गई कि जब इंडिया सिया वाले के साथ कुछ अच्छा करता है तो सुन्नी वाले नाराज हो जाते हैं, बोले यार तू तो उधर गया था, इधर वाले जाता है तो इधर वाले नाराज हो जाते हैं। इंडिया क्या बैलेंस रख रहा है, इनके साथ भी अच्छा रिलेशन, इनके साथ भी अच्छा रिलेशन, ताकि अपना फायदा हो। फॉरेन पॉलिसी का ही अपना फायदा देखो, हमें क्या करना, कोई लड़े तो लड़े, ठीक है, वो बात है। तो ये प्रॉब्लम भी अभी चल रही है, कहाँ गया। और उसके कारण क्या है, टेररिज्म भी जो है फैलने का स्प्रेड होने का ये कारण है कि हम अच्छे हैं वो अच्छे हैं, अपने टीचिंग्स जो है, अपने विचार जो है, अपने थॉट जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, टेररिज्म वगैरह फैलाते रहते हैं। दोनों शिफ्ट वगैरह हो जाए, ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं। हाँ, इन मिडिल ईस्ट ऑन द वन हैंड देयर इज ग्रेट इंपैक्ट ऑफ थॉट ऑफ सुन्नी कल्चर अमंग द पीपल ऑफ सऊदी अरब एंड इराक। इराक और सऊदी अरब में किसका चलता है, सुन्नी का, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। ऑन द अदर हैंड शिया कल्चर इज इन एक्ने इन ईरान, एक्ने मतलब कि सबसे टॉप लेवल पे है, ज्यादा फैला हुआ ईरान में। ईरान में तो क्या है आपके शिया कल्चर है, और सऊदी अरब अगर हम जाओ तो आपके सुन्नी कल्चर मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल द गल्फ कंट्रीज, गल्फ क्या होता है खाड़ी, ये जो मिडिल ईस्ट है ना ये खाड़ी में आया हुआ है, मैप में आप देख लेना, प्रोड्यूस क्रूड ऑयल एंड डू इट्स बिजनेस ट्रेडिंग इन बल्क क्वांटिटीज, देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ ड्यू टू मैसिव ऑयल प्रोडक्शन, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया इज फुलफिल्ड बाय द क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड इन मिडिल ईस्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्री इज ईरान अमंग ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज फॉर इंडिया। ईरान एंड इंडिया बोथ हैव गुड रिलेशनशिप, वेयर एज अमेरिका इज नॉट इन गुड रिलेशनशिप, ईरान और इंडिया के अच्छे रिलेशन है, और अमेरिका और ईरान की जो है हमेशा लड़ाई चलती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की वगैरह की चल रही है। सो इनडायरेक्टली इंडो यूएस रिलेशन आर ऑल्सो हैम्पर्ड इन वन वे और अनदर। रिसेंटली इंडिया इन्वेस्टेड हेवीली इन द चाहबाद हार्बर ऑफ ईरान, ठीक है, इराक का एक बंदरगाह, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, नाम क्या है चाहबाद, वहां पे हमने इन्वेस्ट किया। देखो अब ये यहाँ पे जितना भी पॉसिबल है मैं बता देता हूँ, ये आपका पड़ जाता है इंडिया, ठीक है, इधर वाली बाउंड्री ज्यादा है, ये पड़ जाता है पाकिस्तान, ये पड़ जाता है अफगानिस्तान, ठीक है, ये पड़ जाता है आपका ईरान, ठीक है, और ये गल्फ है खाड़ी है, और इधर जो ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है क्या नाम सऊदी अरब वगैरह जो है ये खड़ी है, और आगे सुएज कैनाल जाती है, यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है वगैरह वगैरह, मैप देख लेना। तो अब क्या है कि यहाँ पे अपना गुजरात वाला पोर्ट है कांडला, पाकिस्तान के अपने रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है ना, तो इधर तो आ नहीं सकते, तो हमने क्या रिलेशन अच्छे कर रखे हैं, इधर से हम आते हैं, ठीक है ना, इधर से जाए तो पाकिस्तान का हमेशा डर वगैरह रहता है, प्रॉब्लम भी रहती है, जा सकते हैं जाते भी हैं। तो अफगानिस्तान में भी एक थोड़ा बेस बना रखा है और एक चाबहार बना रखा है यहाँ, ठीक है, इधर से जो बॉर्डर है अफगानिस्तान की वो भी इंडिया में ऊपर वाले में लगती है। तो इधर अभी क्या हो रहा है, पीओके है वो, और वो किस पे कब्जा किसका है, पाकिस्तान को, तो इधर जा नहीं सकते। तो हमने ये पोर्ट वगैरह जो है वो यहां पे बना रखी, अब इतने यूरोप जो है ना वहां पे अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करना हो इतना दूर उधर से जाना पड़ता है, ठीक, तो हमने क्या कर रखा है अफगानिस्तान के अंदर भी पोर्ट बना रखा है, पर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कौन करता रहता है, पाकिस्तान। तो हमने ईरान को सेफ करते हुए, सेफ साइड में देखते हुए अपना एक खुद ही का चाबहार पोर्ट है ईरान का, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बोल रखा है कि यहाँ पे सब इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, सब चीजें हम बनाएंगे, हमें क्या करना, हमारे जो जहाज है ना उनको यहाँ पे रुकने देना, रुकने के बाद कुछ माल तो जो है सड़क के थ्रू जो यूरोप जाएगा, कुछ जो है यहाँ से स्वेज कैनाल के अंदर से होता हुआ कहाँ जाएगा, यूरोप जाएगा, और भी जो डिफरेंट कंट्रीज है वहां तक जाएगा, ठीक है, ताकि क्या हो कि ये जो इतना लंबा घूम के जाना हो अफ्रीका के नीचे से वो बड़ा सा काम नहीं रहे, और क्या उससे पेट्रोल डीजल भी बच जाए जो भी है, और हम इजिली यहाँ से चल सके, इसलिए हम इस चाबहार पोर्ट जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और ईरान भी क्या हो रहा है, कंड दे रहा है कि ठीक है, तो अमेरिका को ये लग रहा है कि ईरान जो है इंडिया का साथ दे रहा है, इंडिया ईरान साथ में मिले हुए तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, पर अमेरिका जो इतना इंटेलिजेंट आदमी है वो जो है इंडिया के साथ ऐसा वो नहीं है जैसा कि अपन खुद रखते हैं ना, अच्छा तूने उस मेरे दुश्मन का साथ दिया है तो वह ठीक है मैं तेरा साथ दे दूँ, हाँ
अमेरिका को पता है कि इंडिया के अंदर अपना बहुत पैसा अटका हुआ पड़ा है या वहां से पैसा आ सकता है, वो वहां पे भी इतने रिलेशन रखता है, ईरान से भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे साथ भी कर रहे हैं। अमेरिका का इतना ही रिलेशन है कि जहां से पैसा आता है, जहां से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो, जहां से कैपिटल आता है, पैसा आता है, उसके साथ रिलेशन रखो कितना, उस पैसे जितना, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कहां मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। ये इंडिया का रिलेशन, सॉरी अमेरिका का यही फंड है, ठीक है। जितना पैसा आ सकता है उतना लोग, उतना ही रिलेशन रखो, बाकी अपन वो जो है वो कहते हैं वो अमेरिका जो खुद के बाप का भी नहीं है वो वाले सेइंग है। तो अमेरिका को किसी से कोई लेना देना नहीं है, पैसे से लेना देना, ठीक है। कहां गया, हाँ, सऊदी अरेबिया विच इज एन इंपॉर्टेंट वेस्ट एशियन कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म इन इंडिया। और इंडिया से जो टेररिज्म, इंडिया में टेररिज्म फैलाने का जो है वो सऊदी अरेबिया जो पूरा ग्रुप है वहां पे ज्यादा रहता है, क्योंकि जो भी टेररिस्ट वगैरह जो है सब वहां जाके छुप जाते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या है कि पैसा वगैरह होता है तो उस हिसाब से फंडिंग चलती है, तो कोई किसी को हैंडल करता नहीं है, कोई किसी को रोकता नहीं, ठीक है। तो इंडिया कहीं ना कहीं ये कोशिश में रहता है सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश में है अभी फिलहाल के दिनों में, कि भाई वहां से जो टेररिस्ट वगैरह है वो रुक जाए, टेररिज्म रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान को भी थोड़ा पता चलेगा। इट इज ऑल ड्यू टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इनसाइड सऊदी अरेबिया टू प्ले इट्स रोल इन स्प्रेडिंग टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया को बोलता है जो है तो हम हेल्प कीजिए किसके लिए, टेररिज्म वगैरह को शरण देने के लिए। वेयर एज इट इज वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है तीसरी बड़ी सबसे कंट्री है जो ऑयल को इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब कि ऑयल अपने यहाँ कंट्रीज में लाती है, कहां से, ये सऊदी अरब वगैरह से, ईरान वगैरह से हमारे यहाँ लाती है, ठीक है ना। तो इंडिया तीसरी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो इतना पेट्रोल हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हम कहां से लाते हैं, इन्हीं पर डिपेंड है, तो इसके साथ रिलेशन भी ढंग का रखना पड़ेगा, इनको ओवरऑल डायरेक्टली कुछ कह भी नहीं सकते, और मना करते तो फिर पेट्रोल डीजल कहां से भरवाएंगे। एंड फॉर दिस इट हैज टू डिपेंड अपॉन द गल्फ कंट्री, और नहीं चाहते हुए भी उसको जो है गल्फ कंट्री के साथ जो है डिपेंड होना पड़ता है। इट इज इट्स प्लोमेटिक अरेंजमेंट, प्लोमेटिक अरेंजमेंट मतलब कि एक देखा जाए तो आपको पता है यहां से नुकसान हो रहा है, यहां से टेररिज्म फैल रहा है, पर कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वहां से तेल भी चाहिए, वो वाली बात। देयर आर एटलीस्ट 70 लाख इंडियन नेशनल्स वर्किंग इन सऊदी अरेबिया एंड इंडियन एंड इन अदर गल्फ कंट्रीज, 70 लाख के आसपास जो है हमारे लोग जो है वहां पे काम कर रहे हैं, जनरली केरल वगैरह के यहाँ के लोग ज्यादा हैं, वो गल्फ कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। द पोजिशन ऑफ इट इज दैट दे एक्यूमुलेट अबाउट $35 मिलियन वर्थ ऑफ फॉरन एक्सचेंज फॉर इंडिया, और वहां से जो पैसा कमा के लाते हैं ये जो अपने 70 लाख लोग है वो $35 लाख जो है करोड़ डॉलर जो है वो इंडिया में आता है, वही घर पे बेचते हैं ना पैसा, तो बाहर से क्या आती है फॉरेन करेंसी, भाई डॉलर में, वहां पे डॉलर में या रियाद में जहां से भी दिया जाता है वो कहां लेके आते हैं, इंडिया में। जब एक्सचेंज करते हैं तो पैसा तो अपने पास ही जमा होता है ना, तो डॉलर वगैरह जो फॉरेन करेंसी वो अपने पास जमा होती है, फॉरेन करेंसी जमा होने से क्या होगा कि जब हमें इनके साथ रिलेशन या कुछ खरीद वरीद करनी पड़ेगी तो इनके ही पेमेंट में या इनको ही पैसे में हम रुपये ज्यादा दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा हमारा रुपया बचेगा। एंड इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट इज दैट दे एक्सपोर्ट और ब्रिंग इन द वहाबी थॉट फ्रॉम द गल्फ रीजन एंड क्रिएट टेंशन इन इंडिया। वहाबी थॉट क्या है, ये एक अलग सिया सुन्नी में एक सिया का एक और पार्ट है जिसमें ये सोचा जाता है कि इस्लाम में आप कट्टर ज्यादा हो, ऑर्थोडॉक्स ज्यादा हो, ज्यादा ज्यादा इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम को फैलाने के लिए सब कुछ सही है, तो ये थॉट भी कौन लेके आते हैं, अपने इंडियंस ही जो है, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियंस लोगों को और तैयार कर रहे हैं, इनको भी और जो है दिमाग जो है उनका पूरा रिफ्रेश कर देते हैं कि जो है ये सही है, तुम वहां क्या कर रहे हो ऐसे वगैरह, तो इससे क्या हो रहा है और थॉट आ रहा है इंडिया में जो टेररिज्म और बढ़ता जा रहा है। इट्स रिजल्ट इज दैट दे प्रेजेंट अ थ्रेट टू द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज वरीड ड्यू टू एक्टिव ISIS एजेंसी प्रेजेंट इन सीरिया एंड इराक। इराक और सीरिया जो है वो मिडिल ईस्ट में पड़ती है जो कंट्री है, वहां पर भी एक नई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ISIS, ठीक है, वो अभी सबसे बड़ी थ्रीट हो रखी है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये क्या ट्रेंड करती है इंडिया से जो मुस्लिम्स जो लोग वहां काम करने जाते हैं उनको बोलती है कि अल्लाह वो है इस्लाम वो वगैरह, उनका जो है माइंड को फिर से हेबरनेट करके जो है इंडिया में भेजती है, वो यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह चीजें। Many Indians have joined this agency, which is not in the interest of our country. Indo-Israel relations are cordial at present. और वहीं पे आप देखा जाए तो इसराइल है, उसके साथ भी हमारे रिलेशन जो है अच्छे हैं। इसराइल जो है सबसे बड़ा वेपन बनाने में एक देश है, तो बहुत छोटी सी कंट्री, उसके यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि उसके साथ सभी जो है कॉपरेट करना चाहते हैं, अमेरिका भी कॉपरेट करना चाहता है, पर वो अमेरिका को भाव नहीं देता, इसलिए इंडिया जो है इसराइल के साथ भी
हाथ मिलाते हैं, अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली. इट मे बी नोटिस्ड दैट अमंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज इसराइल इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री. ठीक है, इसराइल इसराइल में क्या है, मुसलमान नहीं है. इसराइल में ज्यूज वगैरह जो है, ज्यूज एक अलग होता है, वो लोग ज्यादा है. अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इसराइल देर इज नो इक्वलिटी. इंडियन पॉपुलेशन इज 1.3 बिलियन, मतलब की 130 करोड़ लोग हैं. Whereas Israel's population is only 80 lakh. Israel की population कितनी है? सिर्फ 80 लाख ही population है. पर वहां की जो technology है वो पूरे world में best है. तो India अभी क्या कर रहा है कि America वगैरह से नहीं लेके अपने weapons वगैरह कहां से ले रहा है? Israel से ले रहा है. एक तो पहली बात है वहां पे Muslims नहीं है. ठीक है, वहां पे Jews जो है वो culture है. Christianity का एक अलग form है, वो form है. और population कम है और जगह भी बहुत कम. आए दिन वहां पे कुछ ना कुछ होता रहता है. पर वो इतना स्ट्रांग है उनसे सभी लोग डरते हैं. क्यों? उनके पास जो वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दिस डिसिमिलरिटी वी फाइंड मेनी सिमिलरिटी सच एज. इतनी डिसिमिलरिटी है, देखो पॉपुलेशन वहां की इतनी है, हमारी इतनी है. उसके बाद भी हमारे अंदर जो है साथ साथ देखा जाए तो कुछ सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज भी मिलेगी. क्या मिलेगी? इन बोथ कंट्रीज देर इज स्टिल एन एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्ड पेट्रन रिलीजन. ठीक है, हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म जो है पुराना धर्म है और वहां पे जो ज्यूज कल्चर है वो पुराना चल रहा है. हम उसको मानते हैं, वो लोग भी अपने पुराने कल्चर को मानते हैं. बोथ द नेशन डू नॉट बिलीव इन चेंज ऑफ रिलीजन. दोनों देशों में यह है कि धर्म परिवर्तन जो है उस पर फोकस नहीं करते हैं. बोलते हैं आप जो धर्म रखना रखना चाहते हो. बोथ द नेशन हैव फेथ इन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड सेक्युलरिज्म एंड बोथ आर फेसिंग टेररिज्म एज वेल. दोनों ही कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी को मानते हैं, सेक्युलरिज्म को मानते हैं और दोनों ये चाहते हैं टेररिज्म जो है वो खत्म हो जाए. बोथ द कंट्रीज हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विथ यूएसए एंड बोथ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस दैट इज मुस्लिम्स. ठीक है, वहां पे भी मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में, हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम है वहां पे भी है, अपने यहाँ पे भी है. दोनों ही जो है यूएसए के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं. उनको पता है यूएसए जो है किसी का नहीं है, फिर भी जो है हम कोशिश करते हैं यूएसए के साथ बने रहे. क्यों? क्योंकि हमें जो है वहां से फंड चाहिए, वहां से पैसा चाहिए. टेररिज्म इज चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द कंट्रीज. बोथ द नेशन हैव देयर ओन इंटरेस्ट एंड स्ट्रेस ऑन म्यूचुअल डिपेंडेंस. उनके दोनों के जो है अलग अलग स्वार्थ है, अलग अलग चीजें हैं और आपस में जो है एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं. म्यूचुअल डिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर भरोसे की कोशिश. दे कैन एक्सचेंज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. इसराइल में हेल्प आउट इंडिया इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो टेक्नोलॉजी. पानी से जो बनाना होता है, आपको पता है इसराइल ऐसी कंट्री है जो समुद्र के पानी को पीने लायक बना रही है. ठीक है, तो वो अगर टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती तो अपने पास कितना समुद्र है उसको हम चेंजेस कर सकते हैं. मेडिसिन सिक्योरिटी हाई टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ लेटेस्ट स्टैंडर्ड एंड एग्रीकल्चर. एट द सेम टाइम इंडिया कैन प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट टू इजराइल फॉर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट. ठीक है, इसराइल में जमीन बहुत कम है, फिर भी जो है वो उन्होंने इस तरह से अरेंज कर रखा है कि एग्रीकल्चर वगैरह प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो साइंटिफिक इनोवेशन जो है डिस्कवरीज जो है वो ज्यादा करते हैं. और वो फायदा अगर इंडिया को मिल जाता है, हमारे यहाँ जमीन ज्यादा है, ठीक है, वो फायदा इंडिया को मिल गया तो इंडिया जो है आगे बढ़ने का बहुत बड़े चांसेस इसके हैं. इसलिए हम चाह रहे हैं इसराइल जो है तो बहुत छोटी कंट्री पर उसके साथ अपने रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो जाए. आईवी क्या आते हैं वहां पे मिडिल ईस्ट में. रिसेंटली इंडिया हैज बॉट मिलिट्री हार्डवेयर वर्थ अबाउट $3 मिलियन फ्रॉम इसराइल. अभी जो है इतना खर्चा करके वहां से कुछ मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह मंगाए. बोथ नेशंस आर कंटिन्यूअली कोऑपरेटिंग इन कैरिंग आउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड अदर रिलेटेड मैटर. दोनों के आर्मीज के साथ जो है ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है. एट प्रेजेंट इंडियन फॉरन पॉलिसी इज बीइंग चैलेंज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. इंडिया इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मिडिल ईस्ट नेशन फॉर क्रूड ऑयल. सो वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन विद देम. And at the same time, we have to remain cautious about the effect of political instability of those countries and their fundamentalist ideology on India. ठीक है, अभी वहां क्या है मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है वो सिया सुनने की, तो हमें जो है प्रिकॉशन भी लेना होगा प्लस उनके साथ रिलेशन भी रखना पड़ेगा ताकि क्या हो अपना जो क्रूड ऑयल का जो है वो चीजें आती रहे. साथ ही साथ हमारे जो लोग बाग वहां जा रहे हैं वर्क करने के लिए उन पे भी पूरा फोकस करना है. वो वहां से जो आए ना उनका दिमाग घुमा हुआ नहीं हो, उनका वापिस आके यहाँ पे जो है अरेंजमेंट किए जाए ताकि उनका जो है दिमाग शांत रहे और वो यहाँ के टेररिज्म वगैरह की जो स्प्रेड है वो चीजें नहीं करें. तो हमें जो है वहां के प्रॉब्लम्स है उनको भी ध्यान में रखना है प्लस अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखते हुए वहां से अच्छे रिलेशन भी रखना है ताकि क्या हो अपनी जो इंडिया है कंट्री है वो अच्छा प्रोग्रेस करे और एक आने वाले टाइम में सुपर पावर या वर्ल्ड पावर बनने का हो जाए. वहां पे अगर एक्चुअल दोस्त हमारा देखा जाए वो कौन है, इसराइल. उसके अलावा जो है ईरान इराक वगैरह वो सब जो है मतलब के हैं. ठीक है, पैसा दोगे तो वो वर्क करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो वो वर्क नहीं करेंगे. साथ ही साथ जो है यूएस का भी फिर इंटरफेरेंस वगैरह रहता है तो ये एक दिक्कत ही बनी हुई. तो वहां पे अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए इसराइल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वो होने भी चाहिए. बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है चाहे छोटी. ठीक है, तो ये है पूरी बात मिडिल ईस्ट की. उसके बाद में आपके आ जाता है कौन सा, इंडिया और रशिया. इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो पुराने टाइम से बहुत अच्छे थे.
ठीक है ना, हमने हथियार वगैरह हमें जो 1962-65-71 जो वॉर हुए थे उसके अंदर रशिया ने बहुत हेल्प की थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि अमेरिका ने भी अपना एक जो है शिप जो है रवाना कर दिया था कि भाई जो अब इंडिया पे मिसाइल दाग दी जाए, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का लफड़ा चल रहा था। उस वक्त जो है जिसने हेल्प की थी, अगर सच्चा दोस्त अगर किसी को माने तो वो था रशिया। उसने भी अपनी तरफ से जो मिसाइल वो गॉर्सकोव करके शिप था वो भी रवाना कर दिया और बोले देखो आने दो अमेरिका, क्यों उनके बीच उस टाइम लड़ाई चल रही थी रशिया और अमेरिका में, तो रशिया वाला आ गया इंडिया की हेल्प करने। अमेरिका को पता चल गया अगर रशिया आ गया तो प्रॉब्लम होने वाली है, फिर अमेरिका ने भी बोल दिया छोटो छोटो कोई बात नहीं होता रहता है, ये तो छोटी चीज है, ठीक है ना। तो फिर अमेरिका ने भी ज्यादा कुछ स्टेप्स नहीं लिए। तो रशिया हमें जो है ये जितने भी मिग वगैरह या जितने भी जो फाइटर प्लेन्स देखते हुए सब रशिया से आए रखे। हाँ ये बात है, वो उनके सेकेंड हैंड थर्ड हैंड चीजें मतलब बेकार चीजें हैं, पर फिर भी जो है कोई तो दे रहा है इंडिया को। इंडिया में खुद में तो घर में प्रोडक्शन होता नहीं है, हम कहाँ से लाते हैं ये सारी चीजें बनी बनाई बाहर से लाते हैं, ठीक है ना। तो कोई हेल्प करता है कंट्रीज वो थी रशिया। हाल फिलहाल में अभी इतना हम ज्यादा फोकस नहीं है रशिया पे, पर फिर भी रशिया जो है हमारे साइड में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और हमें हेल्प करने की कोशिश करता है। एक्चुअली क्या होता है ये जो पूरा टॉपिक लिखवाना है समझाना बहुत ईजी होता है, पर आपकी क्या लफड़ा है वर्ड टू वर्ड समझाना पड़ता है, उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। हर चीज समझाओ ठीक है, उसमें व्यूज चाहे 3-4 बार रिपीट भी हो जाते हैं तो आपको लगता है भाई ये रिपीट बार बार हो रहा है, कुछ चेंज नहीं। आपको मोटा मोटी रूप से पढ़ना है, अपनी यही कोशिश रहेगी कि हर वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए ताकि प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि डिक्शनरी तो आप अभी खोल के देखोगे नहीं, ठीक है, वही होता है आप ही बता दो तो अपना भी उस हिसाब से चलता है। बाकी अगर इस तरह से अगर बोर्ड पे समझा रहा हो तो ये बहुत इजी समझ में आ सकता है, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। इंडियन रशिया बोथ हैव बीन ट्रेडिशनल फ्रेंड बट नाउ देयर इज अ मार्क लुल इन दिस फ्रेंडशिप ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन व्हिच हैज रिप्लेस्ड सोशलिस्ट मार्केट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। पहले बहुत अच्छे फ्रेंड थे पर 1991 के बाद में अब हमारी इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं रही है और मार्केट भी वहां पे जो है इतना सोशलिज्म का चलता है तो इसलिए हम फोकस नहीं करते हैं। इंडिया इज स्टिल टेकिंग असिस्टेंस ऑफ रशिया फॉर ऑब्टेनिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन हथियार और ये गोला बारूद के लिए इंक्लूडिंग वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स बट इन द चेंज्ड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर इंडिया टू मेक गुड रिलेशन विद कंट्रीज लाइक यूएसए जर्मनी और फ्रांस। ठीक है रशिया तो ठीक है अब पुराना होने लग गया है, अब हमारे साथ क्या होना चाहिए कि रशिया के साथ ठीक है पर हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो रिलेशन है अमेरिका फ्रांस जर्मनी इनके साथ अच्छा हो जाए, क्योंकि ये कंट्रीज जो है वो काफी प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट जाने वाली कंट्रीज है। रशिया जो है अभी थोड़ी खुद प्रॉब्लम में है तो हम उनके साथ इतना ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते। पहले जरूर हमारा अच्छा रिलेशन था पर अब इतना ज्यादा नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ। फिर है इंडिया यूएस एंड यूरोपियन स्टेट। अभी हम जो भी आपने पढ़ा अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और जो यूरोपियन कंट्रीज है जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड डेनमार्क पोलैंड ठीक है इनके साथ अच्छा हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं ये आपको अभी पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इमीडिएसी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। इमीडिएसी मतलब कि अभी की जो नीड है, इमीडिएट वर्ड आया ना उसी से ये वर्ड बना, अभी को जो नीड है वो उसको फॉलो करो ठीक है ना, और प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब प्रैक्टिकल होके अभी जो जरूरत है अभी जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करो ना। हम अब क्या है इमोशंस पे नहीं चलते, पहले इमोशंस पे चलते थे यार ये मेरा दोस्त है क्या हो गया अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो इससे मेरे सपोर्ट करना चाहिए सपोर्ट लेना चाहिए दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, वो दिन गए। अब आज के टाइम में क्या है कि जिससे फायदा मिल रहा है उसी से फायदा उठाओ बाकी को मरने दो। ये अभी इंडिया भी अब धीरे धीरे जो है व्यूज अपने चेंज करने लग गया है। प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कंप्लीट नॉलेज फॉर चेंजिंग न्यूएस्ट स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट इन एशिया एंड द नीड ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया। और इंडिया को ये भी पता है कि यहाँ पे अभी हमारी प्रॉब्लम किसके साथ है चाइना के साथ, और चाइना को जो है रशिया इतना ज्यादा काउंटर नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे सोशलिज्म है और चाइना में भी जो है कम्युनिज्म वगैरह चलता है तो वो दोनों लगभग लगभग कुछ एक तरह की गवर्नमेंट चलाते हैं और ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे नहीं। हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज पे जो क्या है चाइना को इतना ऊपर नहीं। अमेरिका का दुश्मन कौन है चाइना, ठीक है अगर हम अमेरिका से हाथ मिला लेते हैं तो अमेरिका का सपोर्ट रहेगा हमारे पास, हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो ये अभी कोशिश हमारी बनी हुई, इसलिए हम यूएस के ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। The change in foreign policy has come up due to the behavior of China. China has acted very irresponsibly at the Indo-China border. और Indo-China border में problem चलती हुई अभी चल रही, अभी भी चल रही न्यूज में पढ़ रहे हो। The first and the foremost power of the world is USA in present scenario. अभी देखा जाए present scenario में USA जो है सबसे powerful और सबसे एक number की country कौन है वही है। USA has not come forward to clarify its foreign policy to others and Pakistan has always concentrated on India's policy. ठीक है USA जो है कभी खुद आगे चल के नहीं आता है और कभी ये नहीं बताता कि मेरा परमानेंट दोस्त कौन है या दुश्मन कौन है, नहीं वो क्या अभी मैंने बताया वो क्या कहते हैं वो टाइम पे चलता है,
मौके के हिसाब से चलता है। अभी क्या चल, हवा के रुख, हवाओं का जिधर है लहर जिधर है उधर के हम है, तो वो वाला फोकस है, जहां लहर चल रही उधर के साइड चलो, ठीक है ना। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, बस इंडिया को पकड़ना है। तो हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को पीछे करें, और जो है किस तरह से यूएसए के सपोर्ट से। बट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज वर्ल्ड ओरिएंटेड, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरफ से देखा जाए तो मोटा मोटे रूप से हम किस पे चल रहे हैं, वर्ल्ड ओरिएंटेड, मतलब लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। सो इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कंट्रीज पॉलिसी, और हमारी जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से नहीं, मतलब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो हम उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनाए, नहीं ऐसा नहीं। हम क्या पॉलिसी बना रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड हमारे साथ में रहे, वर्ल्ड के साथ हमारी दोस्ती रहे, उसके हिसाब से हम पॉलिसीज बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। इंडिया हैज बिकम सक्सेसफुल इन कीपिंग पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म, और टेररिज्म का अगर मुद्दा हो तो हमने इतनी क्या कहते हैं सक्सेसफुल हो चुके हैं कि दूसरी कंट्रीज को हमने विश्वास दिला दिया है कि इधर पूरे एरिया में एक ही बदमाश है, वो है पाकिस्तान, वो ही टेररिज्म फैला रहा है, ठीक है ना। तो हमने लोगों को विश्वास दिला दिया, इसलिए दूसरी कंट्रीज जो आजकल हम पे थोड़ा भरोसा करने लग गई है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज। बट एट प्रेजेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज अंडरगोइंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अब काफी चेंज हो रहा है, हम पुरानी चीजों को थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं और अब नया हम जो है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज ड्यू टू डायरेक्ट थ्रेट ऑन अवर इंटीग्रेशन एंड सोवरेनिटी फ्रॉम नॉट ओनली द नेबरिंग पाकिस्तान बट ऑल्सो सेवरल ऑफ इट्स एजेंट इन कश्मीर एंड सेवरल एजेंट्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ द फंडामेंटलिस्ट सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट, ठीक है। ये जो सेपरेटिस्ट लोग जो है बता रखा मैंने मीनिंग, टेररिस्ट जो लोग है बता रखा मैंने मीनिंग, ये जो लोग कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं इसने नहीं लिखा पर मैंने आपको बता दिया, फिर से बोल देता हूं, हमने क्या किया है अमेरिका के साथ दोस्ती करने की कोशिश की है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ दोस्ती की, क्यों, क्योंकि यूएनओ जो है ना वहां पे यूरोपियन कंट्रीज जो है उनका वोट ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है, उनको अगर कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे तो वो क्या करेंगे पाकिस्तान पर प्रेशर करेंगे, पाकिस्तान पर प्रेशर डालेंगे तो अपने आप जो है पाकिस्तान चुप बैठेगा। पर अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान को चाइना की हेल्प हो रही है, ठीक है, तो और चाइना किसका दुश्मन है, अमेरिका का दुश्मन है, ऐसे क्लियरली नहीं है पर है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उधर वाली कंट्रीज का सपोर्ट होगा ना तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी, आपने पढ़ी थी पुराने टाइम में किस तरह की थी, बीच में फिर क्या हुआ, आज अब कैसी चल रही है, हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या बेसिक प्रिंसिपल है पुराने वाले भी और आजकल वाले भी, और दूसरी कंट्रीज का भी क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। इसके अंदर और भी कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए थी पर इन्होंने जो है बहुत शॉर्ट में इसको पूरा कर दिया है, तो अपने भी इतना ही नॉलेज रखना, ज्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है आपका, और क्वेश्चन आंसर जो है वो आने वाले टाइम में अपने आप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस जो है और वेरी शॉर्ट जो है वो तो आप आराम से कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएंगे। शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो आने वाले टाइम में, मैं जरूर नहीं कह रहा हूं आज मिले कल मिले या चार पांच दिन के अंदर मिले, नहीं मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, होने को 10 दिन भी लग सकते हैं 15 दिन भी लग सकते हैं पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूनिटी हमें करनी है, तो अभी फोकस हमारा रहेगा ये यूनिट के चैप्टर्स करने पे, और उसके साथ साथ मेरे को टाइम मिलता रहेगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि भाई जुलाई में स्कूल्स खुलेगी, ठीक है, 11th 12th की सबसे पहले खुलेगी, ये बात भी आपको बता देता हूँ, 11th 12th की ही खुलेगी सबसे पहले। तो देखो अभी 10th के एग्जाम होने वाले हैं थोड़े दिनों में, उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आ जाएगा 15-20 दिन में, और उनके बाद जब न्यू सेशन लगेगा ना 11th 12th की क्लासेस खुलेगी सबसे पहले, और उसके बाद में दूसरी क्लासेस खुलेगी, तो उस आगे वाले टाइम में, अभी तो जून लास्ट में नहीं तो जुलाई फर्स्ट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, अभी तो आप इनको पढ़ने पे ध्यान दो और क्वेश्चन आंसर तो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसने किस तरह से क्या फंक्शन किया, वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, वो अभी हम देखेंगे जो कल वाली क्लास होगी उसके अंदर, ठीक है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से ठीक है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो आपको ये पढ़ना है यूएनओ क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, किस तरफ झुकाव है, कौन है क्या नहीं है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा हमारी फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर है जिसके अंदर आपको इंडिया के रिलेशन पढ़ने, किसके साथ, पाकिस्तान चाइना और नेपाल के साथ, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, प्लस इसमें मैप की भी जरूरत पड़ेगी आपको समझाने की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कौन सा एरिया किधर है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद में जो लास्ट चैप्टर है वो आसियान और सार्क है, तो हो जाएगा इस मंथ के अराउंड जो है आपके चारों चैप्टर्स हो जाएंगे, जुलाई में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, फिर अपन जो है पार्ट बी का देख लेंगे जो भी करना है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अभी के लिए धन्यवाद है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको पूछ सकते हैं, वैसे पूछते नहीं हो फिर भी अच्छा है।